जिंदगी संघर्षों का नाम है, ना रुकना है ना थकना है, चलते चलते ही अपने मंजिल तक पहुंचना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य रत्न तिवारी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमूल्य तिवारी करंट अफेयर पे। आप सब ने जिस तरह मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, उस सब के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और बाकी लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए जिन लोगों ने नहीं किया है, ताकि उनको भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत ही फ़ायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती की वंदना से। ओम सरस्वती देवी नमः, ओम सरस्वती देवी नमः। दोस्तों, मेरा कल का क्वेश्चन था कि भारत के नए गृह सचिव कौन बने। जी हाँ, भारत के नए गृह सचिव बने हैं अजय कुमार भल्ला जी। अजय कुमार भल्ला जी भारत के न्यू होम सेक्रेटरी बने हैं। कमेंट में हमारे जवाब दिए हैं सुप्रिया शर्मा ने, श्रेयांश ने और आरती देवी जी ने। धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने न्यू आज के 10 करेंट अफेयर के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव से सम्मानित किया। जी हाँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव से सम्मानित किया। तो कौन सा देश है दोस्तों? वो है क्रोएशिया। जी हाँ, क्रोएशिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टोमिस्लाव से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सम्मानित किया है। क्रोएशिया की राजधानी है दोस्तों जाग्रब। जी हाँ, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रब है और वहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है क्रोएटन कोना। जी हाँ, क्रोएटन कोना वहाँ की करेंसी का नाम है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा देश 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा? जी हाँ, कौन सा देश 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो दोस्तों, कौन सा देश है? वो है भारत। जी हाँ, भारत फीफा अंडर 17 2020 में महिला विश्व कप की मेज़बानी भारत करेगा। तो फीफा का जो फुल फॉर्म वो है फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। जी हाँ, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। दोस्तों, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और फीफा के जो हेड हैं वो हैं गियानी इन्फेंटिनो। जी हाँ, फीफा के जो हेड हैं वो हैं गियानी इन्फेंटिनो। तो ये था फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी आप जानते हैं कि फीफा ने रैंक निकाला था, तो भारत का रैंक क्या था? भारत का रैंक 103 था। जी हाँ, 103 रैंक था भारत का फुटबॉल में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इस समय ट्रेंडिंग में। कोल इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो कोल इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं प्रमोद अग्रवाल। जी हाँ, प्रमोद अग्रवाल जी कोल इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं। और ये कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो ये है कोलकाता में। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और कोलकाता आप जानते हैं वेस्ट बंगाल की राजधानी है और हुगली नदी भी आपका कोलकाता में ही बहती है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोरियन तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? जी हाँ, डोरियन नाम का एक तूफान है जिसने अभी एक देश में आया है और उसने वहाँ पे काफ़ी प्रभावित किया है। तो डोरियन नामक तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? तो दोस्तों, वो है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका को में प्रभावित किया है। अगर आ जाए कि अमेरिका में कहाँ, तो वो है दोस्तों फ्लोरिडा में। जी हाँ, अमेरिका के फ्लोरिडा में डोरियन तूफान ने प्रभावित किया है। आप सब जानते हैं कि USA अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे क्वेश्चन को अगर देख रहे होंगे तो मैं ये कहूँगा कि आप कॉपी पे उसको नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपका एक खुद का GK का नोट्स भी हो जाएगा, ताकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो आप पीछे का भी उसको रिवीजन कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा कहाँ शुरू की गई? जी, जहाँ पहली बात आ जाती है वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत में पहली
सिटी बस सेवा, बैटरी सिटी बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो बैटरी सिटी बस सेवा शुरू की गई है गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में। जी हाँ, गांधीनगर गुजरात में बैटरी सिटी बस सेवा शुरू की गई है पहली बार भारत में। आप सब जानते हैं कि गांधीनगर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है, और वहाँ के जो CM है वो है विजय रूपाणी CM है, और गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत स्टेट के गवर्नर चेंज हुए हैं। तो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो वो रहे हैं नोवाक जोकोविक। जी हाँ, नोवाक जोकोविक एटीपी रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशन। टेनिस में ये टेनिस के प्लेयरों का रैंकिंग निकालता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। जी हाँ, एटीपी की स्थापना 1972 में हुई थी, और इसके हेड हैं क्रिस क्रेमोट जो हैं वो एटीपी के हेड हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? जी हाँ, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो हैं अजंता मेंडिस। जी हाँ, अजंता मेंडिस जो हैं श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। जैसे जानते हैं कि अंबाती रायडू थे जो भारत के, उन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टियर कुक हैं, इनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि उनको नाइटहुड की उपलब्धि मिली थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउरू देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? जी देखिए, नाउरू देश के नए राष्ट्रपति बने वो हैं लियोनोल आइगिमिया। जी कभी कभी क्या होता है कि दूसरे देश में जो करंट में चलता है उससे भी रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन कंपटीटिव एग्जाम में पूछता है। तो जैसे नाउरू के नए राष्ट्रपति बने हैं लियोनोल आइगिमिया। जी हाँ, लियोनोल आइगिमिया जो है नाउरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। वहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? वहाँ की राजधानी यारेन है, और करेंसी है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। जी हाँ, उसकी करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलिया डॉलर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीनतम बाल कल्याण सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? जी हाँ, बाल कल्याण सूचकांक में कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य है? वो केरल है। जी हाँ, केरल जो है वो बाल कल्याण सूचकांक की और जो अभी ताज़ा रैंकिंग आई है उसमें पहले स्थान पर रहा है। आप जानते हैं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और केरल के सीएम हैं पिनयरी विजयन। जी हाँ, केरल के CM पिनयरी विजयन है, और वहाँ के गवर्नर हैं पी सदाशिवम। खासकर आप जानते हैं कि CM और गवर्नर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ के CM हैं पिनयरी विजयन और गवर्नर हैं पी सदाशिवम। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट खेल रत्न से सम्मानित होने वाली? जी हाँ, पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट जो खेल रत्न से सम्मानित हुई हैं, तो वो हुई हैं दीपा मलिक जी। जी हाँ, दीपा मलिक जी पहली ऐसी महिला है पैरा एथलीट जो खेल रत्न से सम्मानित हुई हैं। देखिए, दीपा मलिक से एक क्वेश्चन ये भी है कि सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं जो खेल रत्न से सम्मानित हुई हैं, किस साल की उम्र में? जी हाँ, 49 साल की उम्र में इनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया। आप जानते हैं कि इनके साथ साथ बजरंग पुनिया जी को, जी हाँ, जो पहलवान है बजरंग पुनिया जी, उनको भी इससे क्या किया गया, खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इस साल राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। मैंने एक नीचे लिखा है देवेंद्र झाझरिया जी, ये भी पैरा एथलीट खिलाड़ी थे। ये पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी थे जिनको अवार्ड मिला था, और इनको 2017 में भाला फेंक में मतलब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाए थे। तो ये थे आज के हमारे 10 करेंट अफेयर। मुझे आशा है कि आपको मेरे ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो चलिए, आज का मेरा सवाल है कि भारत में सबसे पहले किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, भारत में पहली बार किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में लिख कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उनको फ़ायदा मिले। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन से पढ़ाई करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार। सब्सक्राइब करिए माय YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।